वैकुंठ में, साकेत में भगवान श्री सीताराम जी जहां नित्य विराजते हैं, वहां महापुरुष सुनाते हैं कि दिन की अधिष्ठात्री शक्तियां वहां गईं, जाकर के भगवान को निवेदन किया है। भगवान से चैत्र महीना लग गया, चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष बीत गया, लेकिन भगवान का अवतार नहीं हुआ, अयोध्या से कोई समाचार नहीं आया। काल की अधिष्ठात्री देवी गई, जाकर के उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप हमारे दिन अवतार लीजिए। 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, सबसे बड़ा अंक 9 है। 9 के बाद 10 में एक लग जाता है, 11 में दो बार एक लगता है, 12 में एक दो लगते हैं, तो संख्या टोटल 9 ही है। प्रतिपद तिथि गई, जाकर के भगवान से कहा कि आप हमारे तिथि में अवतार लीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारी तिथि में अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा अशुभ मानी जाती है, वो शुभ नहीं होती। पूर्णिमा के बाद वाली प्रतिपदा तो अच्छी है, क्योंकि एक घटी ही चंद्रमा कम होता है, लेकिन अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा बेकार है, तो भगवान ने मना कर दिया। तो द्वितीया की शक्ति आ गई, द्वितीया की अधिष्ठात्री देवी आई, भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हम धन्य हो जाएंगे, हमारे समय में अवतार लो। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी महिमा पहले से बढ़ गई है, शंकर जी के ललाट में द्वितीया के चंद्रमा के रूप में चंद्रमा विद्यमान है और भैया दूज के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे काल में नहीं आएंगे। तृतीया ने कहा तो हमारे को यश देने के लिए आप अवतार लें। भगवान ने कहा कि तुमको भी एक निश्चित दिन दे दिया गया है, अक्षय तृतीया, उस दिन जो भी धर्म कर्म पुण्य होगा वो अक्षय होगा, इसलिए तुम्हारे समय में नहीं आएंगे। चतुर्थी ने कहा कि तब हमारे समय में अवतार लीजिए। राम जी ने कहा तुम्हारे में भी नहीं, क्योंकि गणेश जी ने पहले ही तुम्हारी तिथि ले ली है, और दोनों पक्षों में गणेश चतुर्थी का बड़ा उत्सव होता। पंचमी ने कहा तब हमारे समय में आइए प्रभु, तो भगवान ने कहा ऋषियों ने ऋषि पंचमी ले ली है, इसलिए ऋषि पंचमी को हम आएंगे तो उन ऋषियों का अपमान होगा। भगवान अच्छा ये बताइए 2 अक्टूबर क्यों प्रसिद्ध है, कोई बताएगा? भारत में स्वतंत्रता में 2 अक्टूबर क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए कि इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ सब जानते हैं, लेकिन देश के एक गरीब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ बहुत कम लोग इस बात को मनाते हैं। क्यों? कि एक विशिष्ट व्यक्ति के जन्म होने के कारण एक गरीब घर में पैदा जो प्रधानमंत्री था, उस व्यक्ति जो गए हैं सभा में तो उनकी कोट फटी हुई थी, कोट सिला करके पहन के गए, ऐसे थे, और उनके जन्मदिन का महत्व घट गया। तो अगर ऋषि पंचमी को भगवान आएंगे तो भगवान के आ जाने से ऋषियों का महत्व और ऋषि पंचमी का महत्व खत्म हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारे काल में नहीं आएंगे। षष्ठी ने कहा तो हमारे समय में आइए, तो उन्होंने कहा कि बिहार में छठ पूजा होती है, बड़ी प्रसिद्धि है, और भगवान ने कहा देखो षष्ठी सूर्य नारायण और कार्तिकेय शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय को दे दिया गया है, इसलिए तुम्हारे काल में भी नहीं आएंगे। सप्तमी ने कहा कि हमारे समय में आइए, भगवान ने कहा सप्तऋषियों को यह तिथि दे दी गई है। अष्टमी ने कहा तब हमारे समय में अवतार लीजिए, तो भगवान ने कहा कि अगले अवतार में तुम्हारे समय में आएंगे, अभी से हम तुमको समय दे रहे हैं। तो नवमी ने कहा कि प्रभु तब हमारे काल में आप अवतार लें, हम ही सबसे बड़ी हैं। तो भगवान ने वैकुंठ में भगवान ने नवमी से पूछा कि तुम्हारी विशेषता क्या है। नवमी ने कहा हम रिक्ता हैं, और रिक्ता होने के कारण कोई अवतार हमारे काल में हुआ नहीं, इसलिए हमको कहीं शुभ काम में लगाया नहीं जाता, क्योंकि रिक्ता तिथि है, तो आप अगर हमारे काल में अवतार लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान ने कहा रिक्ता का क्या मतलब है? तो रिक्ता तिथि ने कहा कि जो एकदम खाली हो, जिसमें कुछ न हो, वही रिक्ता है। भगवान ने कहा तब तुम ही ठीक हो कि तुम खाली हो।
हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो प्यासा कौआ की कथा आती थी। कौआ प्यासा था, उसे जल नहीं मिला, तो देखा एक घड़े में जल तो है लेकिन नीचे उसके तलहटी में है। तो कौए ने अकल लगाई, वो क्या किया कि जंगल से पत्थर चुन चुन के लाया, उस घड़े में डालता चला गया। जब पत्थर से घड़ा भर गया तो जल ऊपर आ गया और कौए ने जल पी के अपनी प्यास बुझा ली। तो जब तक घड़ा में जल कम था तब तक उसकी प्यास नहीं बुझी, उसमें जा नहीं सकता। तो जो खाली हो उसमें भगवान कह रहे हैं हम आएंगे, खाली होगा तो भगवान कह रहे हैं आएंगे। नवमी तिथि कही कि हम रिक्ता हैं, खाली हैं, हम में आइए। एक शायर ने लिखा है कि भाव में एक भक्त भगवान का ध्यान कर रहा था, पूजा कर रहा था और ठाकुर जी प्रकट हो गए, कन्हैया भाव में उसके हृदय में आ गए। जब आ गए तो उसने भाव में ही ठाकुर जी का दुपट्टा पकड़ लिया और पकड़ लिया तो ठाकुर जी दुपट्टा छुड़ा दिए। थोड़ी देर के लिए तो आए थे ध्यान में भाव में, और जब ही उसने दुपट्टा पकड़ा तो ठाकुर जी दुपट्टा झटक करके चल दिए। तो उसने कहा कि क्यों आप चले गए? तो भगवान ने क्या कहा श्याम सुंदर ने कि तुम हमको बैठाना चाहते हो अपने हृदय में, तो हम बैठे कैसे? उसने कहा क्यों? तो प्रभु ने कहा, शायर क्या लिखता है कि दामन झटक कर चल दिए, दामन माने दुपट्टा, भगवान दामन झटक कर चल दिए श्याम सुंदर। उसने दुपट्टा पकड़ा था तो दामन झटक कर चल दिए वो, और यूं कहते हुए कि हम कहां बैठे हैं, यहां तो गैर हैं बैठे हुए। तुमने तो यहां काम को बैठाया, क्रोध को बैठाया, लोभ को बैठाया, तुम्हारा ये हृदय रूपी घर पहले से ही कूड़ा करकट से भरा है। अगर कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए कम से कम घर खाली होना चाहिए, और अगर कूड़ा करकट है तो ठाकुर आएंगे कैसे? तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये मेरा हृदय आपका घर है। तुलसी लिख रहे हैं कि ये मेरा हृदय आपका घर है, आप यहां आओ, मैं आपका हूं। सारा संसार कहता है कि तुलसीदास राम जी के हैं, तो हे प्रभु हम पर आप कृपा करो। भगवान ने कहा बात क्या है, तुलसी क्या कह रहे हैं, और ठाकुर जी की बात आप सुनिए तुलसी के शब्दों में। तुलसी कह रहे हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, हे प्रभु ये हृदय आपका घर है। गीता में भगवान ने लिखा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, सर्वभूतानाम हृदयेषे ईश्वर तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान विद्यमान है। तो तुलसी भगवान से कह रहे हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। हे प्रभु ये हृदय आपका घर है लेकिन यहां बहुत से चोर बैठ गए हैं। चोर कौन कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, छद्म है, पाखंड है, निंदा है, स्तुति है, ये सारे जितने चोर कचड़े हैं यहां आके बैठ गए। अरे भाई आप भजन किए, निंदा किए तो भजन खत्म, आप भजन किए क्रोध कर दिए तो वो भजन खत्म, आपने खूब भजन किया और भजन करने के बाद आपने पाप किया भजन खत्म, तो ये चोरी हो गई। तो तुलसी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। ये सारे चोर बसे हैं, भगवान ने कहा था इनको निकालो। तुलसी कह रहे हैं मान ही नहीं विनय निहोरा, इनसे हाथ पैर जोड़ के कहते हैं निकल जाओ, नहीं निकलते। मान ही नहीं विनय निहोरा, एक कर रही बहुत बरजोरा। ये बड़े बरजोर हैं, निकलते ही नहीं। मान ही नहीं विनय निहोरा, एक कर रही बहुत बरजोरा। कह तुलसीदास सुनु रामा, भगवान ने कहा तो बैठे रहने दो हे तुलसीदास, क्या लगता है तुम्हारा? तो कह तुलसीदास सुनु रामा, ये लूट ही सब धन धामा।
सारे जीवन की कमाई भजन ये लूट लेते हैं। तो राम जी ने कहा कि हम क्या करें, हम ही तुम्हारा ठेका लिए हैं। तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, ये लूट ही सब धन धामा, चिंता यह मोही अपारा। हमको ये बड़ी चिंता है, क्यों कि संसार कहता है तुलसी राम के हैं। चिंता यह मोही अपारा, अपजस जनी होई तुम्हारा। आपकी निंदा होगी कि तुलसी के राम के घर में चोरी हो गई। अगर हमारे यहां चोरी होगी तो हे राघव आपकी निंदा होगी कि तुलसी जीवन भर राम राम किया, उसके घर में काम ने क्रोध ने लोभ ने चोरी कर ली, इसलिए अब आप सुधारो। मोर सुधारी सो सब भांति, अजासु कृपा नहीं कृपाय घाती। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये हृदय खाली करो, और जब खाली करोगे तब तो ठाकुर जी आ ही जाएंगे। हम लोग कहते हैं महाराज भगवान दिखते ही नहीं, अरे पहले कूड़ा तो निकालो। और वो कूड़ा निकलेगा कैसे, जब बहुकाल करी सत्संगा, जब ठाकुर जी का चरित्र हृदय में आकर के मस्तिष्क को शुद्ध करने लगेगा और अंतःकरण निर्मल होने लगेगा, तब तो ठाकुर जी अपने आप पीछे पीछे घूमेंगे दौड़ेंगे। मन ऐसा निर्मल भया जो गंगा को नीर, फिर पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन निर्मल बनाओ तो, और खाली होगे तो ठाकुर जी आएंगे। नवमी तिथि ने कहा कि हे प्रभु हमारे काल में अवतार लें। भगवान ने देखा ये बिचारी रिक्ता है, पूर्ण खाली है, और जहां खाली है वही ठाकुर जी आएंगे। तो नवमी तिथि को भगवान ने निर्णय कर लिया कि अब मैं अवतार लूंगा। तो नौमी तिथि आ गई।